एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का विवादित बयान सामने आया। चुनावी रैली के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने राजनीति को लेकर एक अलग ही शब्द का इस्तेमाल किया। अकबरुद्दीन के विरोधियों पर निशाना साधने के लिए यह विवादास्पद बयान दिया है अकबरुद्दीन ने, सुनाते हैं आपको। सियासत अकबर ओवैसी के घर की, मेरे बाप ने मुझे बताया सही वक्त पे सही फैसले को ही सियासत कहते हैं। और जिनकी सियासी मौत हो चुकी है उन मुर्दों में अकबर ओवैसी अपने अल्फाज की जान नहीं डालना चाहते। चाह नहीं हो समझे, तुम जाल फेंकेंगे मैं जाल में आ जाऊंगा, नहीं मैं जाल में आने वाला नहीं हूं। अरे बहुत भोकने वाले भोक रहे हैं, भोकने दो, बोलने दो, हर एक का जवाब देना मेरी आदत नहीं है। अरे जब शेर और हाथी गुजरता है तो जरूर भोकते हैं। इसी बीच असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने अकबरुद्दीन ओवैसी की बदजुबानी पर पलटवार किया। आपके डियर फ्रेंड असदुद्दीन ओवैसी की बात करते हैं। अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो आपने डिबेट देखी होगी, 15 मिनट वर्सेस 15 सेकेंड जो नवनीत राणा ने कहा, फिर उनका वर्सेस एक घंटा, फिर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अपने दिल्ली वाले पप्पा से पूछो कि मुझे कहां आना है, बोले मेरा भाई तोप है, छोटे छोटे कहते हैं मेरा भाई तोप है, मैंने रोक रखा है, बोलूंगा तो T20 खेलने लगेगा। मेरा तो बिनती है उनको आप छोड़ दीजिए, आप रुकवा के मत रखिए, आप उनको छोड़ दीजिए, फिर मुन्ना का हम लोग ख्याल कर लेगा। आपका मुन्ना है ना, तो हम उसको प्यार मोहब्बत जो ही देना है हम लोग दे देगा उनको, आप छोड़ दीजिए उनको, ऐसे रुकवा के मत रखिए, वो सेहत के लिए खराब होता है। और जेल से बाहर आने के बाद से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं। केजरीवाल ने पीएम मोदी की तरह देश को अपनी 10 गारंटियां दी हैं, जिसमें चीन समेत देश भर में 24 घंटे मुफ्त बिजली देने का वादा भी शामिल है। 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे। दूसरी गारंटी है शिक्षा की। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा का इंतजाम ना कर दिया जाए। और इस देश के अंदर पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, अच्छी शानदार और फ्री शिक्षा का इंतजाम किया जाएगा। पूरे देश में कोने कोने में, हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा। शानदार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जितने, उनको मल्टी स्पेशलिटी बना के उनको शानदार प्राइवेट हॉस्पिटल की तर्ज पे बनाया जाएगा। और इस देश में पैदा होने वाले हर व्यक्ति का पूरा इलाज मुफ्त होगा। राष्ट्र सर्वोपरि, हमारी चौथी गारंटी। चीन ने हमारे देश की जमीन पे कब्जा कर लिया, तो हमारे देश की जितनी जमीन पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है उस जमीन को चाइना के कब्जे से छुड़वाएंगे, उनको बंद किया जाएगा। जितने रायबरेली में अमित शाह ने गांधी परिवार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि गांधी परिवार झूठ बोलता है, कांग्रेस के लोग झूठे वायदे करते हैं जो कभी पूरे नहीं होते। झूठ बोलने में बड़ा माहिर, अभी कह रहे हैं हम हर महिला को 1,00,000 रुपया देंगे। मैं अभी अभी तेलंगाना से आया, तेलंगाना चुनाव में उन्होंने कहा था हर महिला को 15,000 देंगे, वहां की महिलाएं उन्हें सरकार चुनकर दे दी, 15,000 नहीं 1,500 रुपया भी नहीं दिया। भैया ये लोग झूठे वादे करने में माहिर है। छत्तीसगढ़ में 500 रुपया महीना देने का वादा किया था, पूरा नहीं किया। तेलंगाना में किसानों की कर्ज माफी करने का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। इनके वादे झूठे होते हैं। और अमित शाह ने रायबरेली की जनता के सामने राहुल गांधी से 5 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि राहुल बताएं, क्या वो धारा 370 का समर्थन करते हैं या नहीं, क्या राहुल गांधी मुस्लिम पर्सनल लॉ लाना चाहते हैं या नहीं। सवाल उनको पूछने आया,
लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुनकर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो भाइयों बहनों, मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं जरा मुझे बताओ, आए हैं क्या? भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं कि रायबरेली के अंदर ढेर सारी दुर्घटनाएं हुई, 3 दर्जन से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हुई, जैसे एनटीपीसी ऊंचायार में बॉयलर फट जाने से कई लोगों की मृत्यु हुई। यहां गांधी परिवार आया है क्या? अरे जोर से बोलो, आया है क्या? बछरावा में ट्रेन दुर्घटना में 50 लोग मारे गए, आया है क्या? नाव डूबने से आधे दर्जन लोग मारे गए, आए है क्या? तार गिरने से रोपाई कर रही 5 महिलाएं, गरीब महिलाएं झुलस कर मर गई, उनके घर कोई गया है क्या? उधर मोहनलालगंज में सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पीएम ने बुलेट की रफ्तार से विकास किया, वहीं कांग्रेस और एसपी राम विरोधी पार्टियां हैं। पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव की एक लहर चल रही है और यह हर चौथे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में उनके पक्ष में सुनामी बनने वाली है, क्योंकि जनता के मन में एक ही भाव है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार